राधे राधे सभी लोगों को, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग आए हैं वृंदावन निधिवन में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वृंदावन निधिवन, और आपको ये भी दिखाने वाली हूँ यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रवेश करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और यहाँ देखिए चारों तरफ तुलसी माता है, और निधिवन की ये मान्यता है कि यहाँ पे जो तुलसी जी हैं वो जोड़े में हैं, और शाम रात होते ही यहाँ पे ये जो तुलसी जी हैं वो गोपियाँ बन जाती हैं, और यहाँ पे किसी को भी रात में नहीं यहाँ पे ठहरे दिया जाता है। शाम होते ही यहाँ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं मंदिर के। और यहाँ पे जितने भी जानवर होते हैं जैसे कि बंदर पक्षी वगैरह, वो सब यहाँ से चले जाते हैं। और जो निधिवन है वो तुलसी वन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, तो यहाँ पे जितने भी भक्त लोग आ रहे थे वो उन बंदरों के लिए कुछ ना कुछ खाने को ला रहे थे, इसलिए चारों तरफ बंदर ही बंदर थे। और ये देखिए तुलसी माता, और यहाँ पे आज बहुत सारे बंदर हैं, और उन बंदरों को जैसे कुछ लोग जो जो लाते हैं उनके लिए उनको वो भी देते हैं। बहुत बंदर हैं, और शाम होते ही वो सारे बंदर यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ की ये मान्यता। और ये देखिए ये तुलसी माता कितनी बड़ी बड़ी, और कई सारी तुलसी माता की जो उनके तने हैं वो हम लोगों को भी मिल रहे थे। और यहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, और हमें सबसे पहले दिखा ललिता कुंड। और यहीं पे स्वामी हरिदास जी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या करी, जिससे श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वामी हरिदास जी को दर्शन दिए, जिससे निधिवन में दो मूर्तियां प्रकट हुई, वृंदावन बिहारी और बांके बिहारी। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, वहां पे बहुत भीड़ थी, वहां पे बहुत सारे भक्त आए हुए थे। और धीरे धीरे करके हम लोग आगे पहुँचे, और उसके बाद फिर हमें मिला श्रृंगार महल, जहाँ पे श्री कृष्ण जी के लिए उनके शयन के लिए वहाँ पे पलंग लगाया जाता है शयन आरती के बाद। और जब दिन कपाट खोले जाते हैं तो वहाँ पे सब बिखरा हुआ होता है। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते गए, और कई सारे मंदिर वहाँ पे थे, और हम लोग ने वो सारे मंदिर घूमे, और बहुत अच्छा लगा मुझे तो वहाँ पे। और हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे, और वहाँ पे कई लोग अपने लड्डू गोपाल भी लेकर आए थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। और वहाँ पे बंसी चोर राधा रानी मंदिर भी था, ये देखिए आपको हम दर्शन कराते हैं। ये देखिए राधा रानी, रानी की जय, सी वाले की जय, श्री कृष्ण की जय। उसके बाद हम लोग गए रंग महल, और फिर जब हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे तो वहाँ पे एक ये और मंदिर हमें मिला। और ऐसे करके हम लोग ने पूरे निधिवन के दर्शन किए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा निधिवन में जाकर। और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। जब निधिवन का एग्जिट गेट आया तब ये वहाँ पे मंदिर था, और हम लोग ने वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ भी, मंदिर था जहाँ पे श्री कृष्ण जी की रासलीला का जो फोटो होता है वो था, और वहाँ पे काफ़ी सारे भक्त आए हुए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा निधिवन में जाकर। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा निधिवन। और ऐसे करके हम लोग ने निधिवन में सारे मंदिरों में दर्शन किए, और यहाँ पे भी दर्शन किए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी मेरे साथ दर्शन करिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक बार ज़रूर जाइएगा, जब आप वृंदावन जाते हैं तो एक बार ज़रूर आप निधिवन जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये गोपियों की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पे गोपियाँ हैं। और इसके बाद निधिवन से निकलने के बाद राधा रमण मंदिर आता है, जो थोड़ा सा निधिवन से थोड़ा सा दूर है। और इसके बाद हम लोग राधा रमण मंदिर गए थे, और यही था निधिवन का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे।